हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में आज हमारा ये है पार्ट 16। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने परसेंटेज को कवर किया है, एक एक चीज कवर कर दी है जो जो एग्जाम रेलिवेंट है। ठीक है, आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि चुनाव पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, चुनाव से आधारित जो प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गॉट 41% ऑफ टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाय 5580 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया। कुल वोट बताने हैं। देखो, पहली बात तो ये, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो इलेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्शन बोल दिया जाए या बोल दिया जाए चुनाव पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, तो एक होती है मतदाता सूची। मान लो ये मैंने मान लिया, ये है हमारी मतदाता सूची, ये हमने मान ली, ये वोटर लिस्ट मान लो उसको, क्या बोलेंगे, वोटर लिस्ट, पंजीकृत मतदाता सूची, ये मतदाता सूची होती है। मेनली क्या होता है कि दो ही उम्मीदवार यहां पर देखने को मिलेंगे, दो ही उम्मीदवार चुनाव में लड़ाई करेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, बाकी तीन भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि दो ही लोग लड़ते हैं। वैसे जो एक्चुअल में तो बहुत सारे लोग कॉम्पीट कर रहे होते हैं दूसरे से, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पर बेस्ड आते हैं ना। तो वोटिंग चल रही है, तो ये जो वोटर लिस्ट होती है, ये वोटर लिस्ट अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ये वोटर लिस्ट अपने आप में होती है 100%। यहां पर दो लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो एक बनेगा विजेता, यानी कि विनर, एक तो होगा उसमें विजेता, एक होगा उसमें लूजर, यानी कि हारा हुआ प्रत्याशी। दो ही लोग हो सकते हैं, सीधी सी बात है, एक तो विजेता होगा, विनर होगा, एक लूजर होगा, हारा हुआ प्रत्याशी होगा। अब मैंने आप लोगों से कहा कि भाई दो लोग चुनाव लड़ रहे थे, एग्जाम्पल ले लिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, दो लोग चुनाव लड़ रहे थे, विनर को मिल गए 58% वोट। ठीक है, अभी कोई कंडीशन नहीं जोड़ रहा हूं, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि जो लूजर होगा या डिफीटेड कैंडिडेट होगा या हारा हुआ प्रत्याशी जो होगा, तो उसको कितने वोट मिलने चाहिए, खुद सोचो इस बात को जरा, उसको 42% वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अभी कोई कंडीशन नहीं जोड़ रहा हूं। 58% वोट्स तो मिले विनर को, तो 42% वोट किसको मिल जाएंगे, हारे हुए प्रत्याशी को मिलेंगे, क्योंकि दोनों को मिला के 100% मिलेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही समझना है ना। कंडीशंस तो इसमें आती रहती है। अब मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिया मैंने, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। मैंने कहा ये जो विनर है, विनर को मिलते 60% एंड ही विंस बाय 400 वोट्स, तो टोटल वोट्स कितने होंगे। तो इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है कि वह एक जो विजेता है उसको 60% मतदान मिला और वो 400 मतों से जीत गया। तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि जब विनर को मिल रहे हैं 60%, तो लूजर को या आपके तो डिफीटेड कैंडिडेट को, डिफीटेड वाले को मिलेंगे 40%। इनका दोनों का डिफरेंस इन जीत हार का अंतर होता है भाई, अंतर क्या होता है जीत हार का, दोनों का अंतर, जो विनर को मिलते हैं वोट्स उसमें से लूजर के वोट निकाल दो, वही तो होता है। तो अगर विनर को 60% मिलते हैं और लूजर को अगर 40% मिलते हैं, तो दोनों का डिफरेंस 20% होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे इस बात के बारे में। अगर 20% दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो 20% की ही तो वैल्यू आपको दे रखी है 400 वोट। तो 20% की वैल्यू अगर 400 दे रखी है, तो 100% के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो बस, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से निकल के, 2000, यानी कि टोटल मतदाता कितने हुए, 2000 हुए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके इसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते, चलो क्वेश्चन क्या कहता है। There were two candidates in an election. One got 41%. अब देखो भाई,
कैंडिडेट है, टोटल वोट्स कितने होते हैं, 100% होते हैं टोटल वोट्स। एक कैंडिडेट को मिल रहे हैं 41%, कोई भी कंडीशन नहीं दे रहा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलने चाहिए, 59% मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, बताओ जरा इस बात को। यानी कि मैं ये कह सकता हूं सीधा सीधा कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 18% का है, और इसी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 5580 दे रखी है इसी की वैल्यू। 18 से काट दिया जाए इसको, 18 3 54 होते हैं, 310 आ जाएगा 1%। 100% कितना आना चाहिए भाई, 31,000। बहुत ही एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31,000। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी है बताओ इस क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट एंड विनर गेट्स 60% ऑफ द कास्टेड वोट्स एंड विंस द इलेक्शन बाय 3-4 00 वोट्स। ये क्या कह रहा है कि टू कैंडिडेट्स है किसी इलेक्शन में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, वोट नहीं दिया, और विजेता को डाले गए वोटों की 60% वोट मिले, तो और वह 32,400 मतों से चुनाव जीता। तो पहले बिल्कुल एक बेसिक तरीका बता रहा हूं आपको, टोटल वोट्स कितने होंगे भाई, 100%। 100% क्या होंगे हमारे कुल मत, 100% हमारे क्या होंगे कुल मत, यानी कि टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितने होंगे हमारे, 100% होंगे भाई, ठीक है। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 10% को इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 90% जो आएंगे ये आएंगे कास्टेड वोट, ये आएंगे हमारे कास्टेड वोट्स या डाले गए मत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वैसे काफी टाइम से एसएससी में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके अंडरस्टैंड डेवलप करेंगे ये क्वेश्चन, है ना। तो 90% जो आया ये कास्टेड वोट आ गए। अब जीत हार का आकलन जो होगा वो इसी के आधार पर होने वाला। कह रहा विनर को मिल गए 60%, किसके 60% किसके मिल गए भाई, इसी के। तो 60% आपको कैसे ध्यान देना है, 60% ऑफ 90%, ये किसको मिलेंगे भाई, विजेता को। ये किसके वोट हो गए, विनर के। तो अगर 60% मिल गया तो बाकी 40% जो बचा 90% का, वो किसको मिलेगा, लूजर को मिलेगा। ये कंडीशन अगर आप लोग समझ गए तो आपके लिए काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 90% भी जीतने का अंतर होना था, 90% का 60% तो मिल गया विनर को, 90% का 60% तो मिल गया विनर को, और 40% ले गया लूजर इसका, 40% कौन ले गया इसका, लूजर ले गया, है ना। अब जीत हार का जो अंतर होगा वो सीधी सी बात है, दोनों का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, इनके बीच का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 60 में से 40 निकाल दो, 20% ऑफ 90% है कि नहीं, बताओ जरा इस बात को सोच के। जो जीत हार का अंतर होता है वो दोनों के वोट जो मिले उसका डिफरेंस होता है, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 32,400। अगर आपने बात पकड़ ली तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर हम 20% निकालते हैं तो 20% बेसिकली होता क्या है, 1/5 होता है, 1/5 ऑफ 90% जो हमको दे रखा है वो दे रखा है आपका 32,400 दे रखा है। 9 से काट लेते हैं, 9 से 10 बार कट जाएगा, 9 से इसको काटो, 9 से 3 बार, 9 से 6 बार, यानी कि 10% की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5×5 = 36 होते 180, 18,000। तो 100% हमारा कितना आ जाएगा भाई, 180,000। तो 100% वोट अगर हमें मिलते हैं तो वो कितने होंगे, 180,000 हो जाएंगे। बताओ भाई बात को समझ में आई कि नहीं है, ये वाले जिनकी बात कर रहा हूं, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 180,000, ठीक है 100%। अब एक और बात पूछो ध्यान से, देखो भाई एक तरीका तो ये सॉल्व करने का इसको है, मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है, अगर आपने उसको थोड़ा सा भी यूज कर दिया ना, एक लाइन के अंदर आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, एक लाइन के अंदर। देखो कैसे आएगा, सेकंड मेथड और समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि सारे के सारे जो टोटल वोट्स हैं वो वोट्स हैं एक्स, समझे,
सारे वोट्स क्या है एक्स मल्टीप्लाई 10% वोटर्स ने वोट नहीं किया तो वोट कितने लोगों ने किया होगा 90% ने किया होगा कि नहीं किया होगा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद कर रहा है कि विजेता को मिलते 60%, समझ जाना इस बात को, बस 60% मिले तो 40 दूसरे को मिले तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 20%, तो इसका 20% कर दो, ये कितने के बराबर आएगा 32,400 के बराबर, 32,400। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको भी कैंसिल कर दो, 9 दूने होते हैं 18 का ये होता है स्क्वायर, कितने टाइम जाएगा 18 टाइम्स चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18,000। यही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा गाइस, ठीक है। क्या किया मैंने, टोटल वोट्स माने मैंने एक्स, ठीक है। फिर कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि 90% ने वोटिंग करी, और फिर उसके बाद 60% मिले विनर को तो 40% लूजर को मिले, तो इस 90% का 20% जीत हार बनेगा, तो 90% का 20% निकाल दो, वो कितने के बराबर दे रखा है, वो हमको दे रखा 32,400। तो यहां से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते चलो आगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए प्लीज, और शेयर भी करना है ना, और अपने साथियों को भी बताना। बढ़ते हैं आगे, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 10% वोट्स आर फाउंड इन बैलेट एंड विनर गेट्स 60% ऑफ द बैलेट वोट्स एंड विंस द इलेक्शन बाय 28,800 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 10% मत अवैध पाए गए, और विजेता को वैध मतों से 60% मत मिले और वह 28,800 मतों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, और गलती क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं कि वो कहते हैं कि टोटल वोट्स आ गए 100%, फिर उसमें से निकाल दिए 20%, और फिर उसमें से निकाल दिए 10%, और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं 70% में, जो कि पूरी तरह गलत है, ठीक है, जो कि पूरी तरह क्या है गलत है। ये चीज ये ऐसे नहीं होगा भाई, है ना, इस बात को थोड़ा समझ लेना, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये सक्सेसिव परसेंटेज चल रही है, ऐसे नहीं कि सीधा आप उसको हटा दोगे। इसमें क्या है कि पहले वो कह रहा है कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% लोगों ने अगर मतदान नहीं किया तो पहले देखो इसको बेसिक से समझ लो, अगर मान लो टोटल वोट्स है 100%, तो 20% लोगों ने अगर मतदान नहीं किया तो मतदान कितने लोगों ने किया है, 80% ने किया है, इसका मतलब अब ये कह रहे हैं कि 80% जो वोट पड़े यहाँ पर, ये 80% जो वोट पड़े इनमें से भी 10% इनवैलिड हो गए, इनके 10% इनवैलिड हुए, इनके 10% इनवैलिड हुए, अमान्य हुए। अगर इनके 10% इनवैलिड हो गए तो 80 का 10% होता है 8% इसमें से निकाल दो, यानी कि जो मतदान हुआ है वो कितनों पे हुआ है भाई, 72% पे हुआ है। ये बात अगर आपको पकड़ में आ गई है ये क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा। और विनर को कितना मिलता है 60%, तो विनर को मिलेगा 60% ऑफ 72%, ये तो मिल जाएगा हमारे विनर को। तो लूजर को कितना मिलेगा भाई, 40% मिलेगा कि नहीं मिलेगा 72% का, वही बात आ गई ना दोबारा से लौट के, ये लूजर को मिल जाएगा, और इनका जो डिफरेंस होगा भाई जीत हार का अंतर बनेगा, तो 60 और 40 का अंतर कितना होता है, फिर से भाई कहानी आ गई, 20% आ जाएगा कितना 72% का, और ये वैल्यू कितने के बराबर है भाई 28,800 के बराबर, ठीक है। तो 20% होता है 1/5 ऑफ 72% इज इक्वल टू 28,800, और बेहतर से अगर आप थोड़ा सा भी वाकिफ हो तो 4 में कट जाएगा, ठीक है। तो 1% की यहां से जो वैल्यू आएगी, 5 चौके होते हैं 20, तो 2,000 आ जाएगी, तो 100% हमें यहां से कितना मिलने वाला है गाइस, 2,00,000, यानी कि टोटल वोट्स कितने होंगे हमारे 2,00,000 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2,00,000 हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक चीज समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये पहला तरीका सॉल्व करने का, एक सेकंड मेथड और बता देता हूं उसको सॉल्व करने का आपको, ठीक है। क्या है मेथड, सक्सेसिव परसेंटेज के थ्रू जाना है। मान लो टोटल वोट्स आपके पास है एक्स, ठीक है, टोटल वोट्स कितने एक्स, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो भाई मतदान कितनों ने किया होगा, 80% ने किया होगा कि नहीं किया होगा, हाँ बिल्कुल किया होगा 80% ने। फिर उसके पास 10% और अवैध पाए गए, जब ये 80% ने मतदान कर दिया, इसमें से 10% और निकाल दो तो 80 में से 10% निकल गया, तो अपने आप का कितना बचेगा 90% बचेगा, 10% और रिड्यूस हो गया यहाँ पे, 10% फिर से रिड्यूस हुई वैल्यू, यहाँ पे कितनी रिड्यूस हुई थी 20% रिड्यूस हुई थी वैल्यू,
अब कह रहा है कि विजेता को 60% मिले तो हारे हुए को 40% मिले, तो 60-40 का डिफरेंस कितना होगा भाई 20%, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 288,000 दे रखी है। देखो भाई दो जीरो यहां कैंसिल कर सकते हैं, एक जीरो यहां कैंसिल कर सकते हैं। देखो 8 × 72 = 144 और 144 से अगर मैं 288 को काटूं तो सीधा दो बार कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 और 30 और लगा देना तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 200,000। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा है, सेकंड ऑप्शन 200,000। उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं पूरी पूरी, है ना। और निराश मत करना भाई, जो भी बात हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जो भी अच्छा लग रहा है सेशन, बुरा लग रहा है जो भी, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना इसको, ठीक है। बढ़ते आगे चलो, क्या कह रहे हैं, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वन बाई 1620 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, मतदान के 10% वोट अवैध पाए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% मिला और 1620 वोटों से जीत हासिल की। नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या थी, देखो एक बात समझ लेना ध्यान से, 10% बढ़ रहे घट रही है दो बार, अगर दो बार 10% घटेगी तो 90% का इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा सक्सेसिव, याद करो -10 -10 + -10 × -10 भाई 100 कर दो तो 19% का डिफरेंस आ गया, 81% की बात कर रहा है सीधा सीधा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार ध्यान से देख लो, टोटल वोट्स कितने मान लिए 100% में से 10% ने वोट नहीं किया तो बचे कितने भाई 90%, और 90% का भी 10% क्या है इनवैलिड, इसका भी 10% क्या है अमान अवैध, अवैध है। तो 90 का 10% 9 होता है, तो यानी कि देख रहे हो कितने बचे 81%। यहां तक आप डायरेक्टली पहुंच सकते थे, 10% दो बार वैल्यू गिरा दो 100 को, एक बार रह जाएगा 90 का 10% हो जाएगा 9, तो 81 पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे 81% जब है इस पर मतदान हुआ, ये वैलिड वोट्स हैं हमारे, ये क्या है हमारे वैलिड वोट्स, यानी कि वैध मत है ये भाई हमारे, ये हमारे वैध मत है, इन पर मतदान होगा 80% पे, 80% में से 54% 80% में से नहीं 80% का 54% जो है विनर ले गया, ये ले गया विनर, और 54 में से गए 46% कौन ले गया, 40% कौन ले गया लूजर ले गया। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि कैसे लिख रहा हूं हर बार में, 81% हार लिया 100% का काम करेगा, इसमें 54% लेगा जीतने वाला, 40% लेगा हारने वाला, यहाँ बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, इस चीज को गड़बड़ मत करना आगे से, हर बार पूरा पूरा लिख के क्लियर कर रहा हूँ। 54 और 46 का डिफरेंस होता है 8% ऑफ 81%, ये दे रखा है 1620 डिफरेंस। तो देखो 8% होता है 8/100 और 81% ये है, और ये को 1620 को फैमिलियर सा दिख रहा है 812 का, तो 8% की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2000। और आपको एक बात बता दूं, 8 से 1000 जो है ना 125 बार कट जाता है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 125 × 250, तो 100% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बताओ जरा, 25,000 आएगी नहीं आएगी, 100% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 25,000 आएगी, तो 100% की वैल्यू यहां पे आ गई हमारी कितनी 25,000। अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट मेथड था सॉल्व करने का, एक और मेथड आपको बताता हूं इसको सॉल्व करने का, जल्दी सॉल्व कर सकते हो सेकंड मेथड। देखो सक्सेसिव परसेंटेज के थ्रू मान लो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं x है मल्टीप्लाई 10% ने मतदान नहीं किया, कितनों ने किया होगा भाई 90% ने किया होगा, 10% का रिडक्शन हो गया यहां पे, अगेन फिर से 10% का रिडक्शन है 10% रिड्यूस हो गए, फिर से 90% रह जाएगा, दो बार 90% रह गया, फिर 54% मिल रहे हैं, 54 और 40 होते हैं 100, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 8%, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 1620, समझे बात को। देखो दो जीरो कैंसिल कर दो, दो जीरो कैंसिल कर दी, 9 × 81 = 162 होते हो, और 8 से चाहो तो ये दो जीरो जो है और एक जीरो ये 125 बार कैंसिल कर देना, तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी भाई 25,000 निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी 25,000 निकल के आ जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझा पाया हूँ सब चीजों को, है ना। बढ़ो आगे, अब क्या कह रहा है देखो, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 300 वोट्स आर फाउंड इनवैलिड,
winner gets 55% of valid votes and wins the election by 600 votes. Find total number of registered voters. दूसरा क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 300 वोट जो है वो अवैध पाए गए. विजेता को वैध मतों का 55% मिलता है और वह 600 मतों से चुनाव जीतता है. पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है. देखो भाई, इसमें क्या है कि वोटिंग इस तरीके से कर दिया आपके लिए. इसमें क्या, इसको ले आए 300 को ले आए, है ना, समझे बात को, इसको ले आए 300 को ले आए, नंबर ले आए, कुछ भी नहीं है, नंबर के हिसाब से कर देंगे सॉल्व. देखो कैसे करना है. मान लो टोटल वोट्स कितने, 100%, ठीक है, 100% टोटल वोट्स. 10% ने मतदान नहीं किया, 10% निकाल दो, कितने बचेंगे भाई, 90% बचेंगे, नहीं बचेंगे, तो 90% वोट बचे, 90% जो वोट बचे उसमें से भी 300 निकाल दो क्योंकि इनवैलिड हो गए, तो 300 और निकाल दो इसमें से. 90% में से 300 निकाल दोगे तो ये मिलेंगे हमें वैलिड वोट्स. आई कुछ बात समझ में, ये क्या मिले हमको, वैध मत, ये हमारे हैं वैध मत, ठीक है. तो 90% में से 300 निकाले तो वैलिड वोट्स मिल गए. अब इसके बाद की कहानी देखो, 90% और माइनस 300 पे हमारी काउंटिंग होगी, इस पर ही काउंटिंग होगी सारी की सारी, है ना. इसमें से विनर को मिलते हैं 55%, 55% फिर अगेन याद दिलवा रहा हूं किसका, 90% माइनस 300 का 55% मिलेगा किसको, विनर को, विजेता को. तो हारे हुए प्रत्याशी को 45% मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बताओ जरा इस बात को सोच के, किसके 90% माइनस 300 के, इनका डिफरेंस कितना है भाई, 55 और 45 का डिफरेंस कितना होता है भाई, 10% होता है कि नहीं होता, तो 10% किसका, 90% माइनस 300 का. और ये कितने के बराबर दे रखा है अपने को, 600 के बराबर दे रखा है. 10% सब लोग जानते हो 1/10 होता है, 1/10 ऑफ 90% माइनस 300 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा. यानी कि मैं कह सकता हूं कि 90% माइनस 300 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6000, और 90% की वैल्यू यहां से मिलेगी 6300. तो 9 से काट देना इसको भाई, 9 7 68 होते 10% की वैल्यू मिल गई 700, तो 100% की वैल्यू मिल जाएगी 7000. वैसे इतना आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी इतना सब कुछ लिखने की आपको आवश्यकता है नहीं इसमें, है ना, इतना सब कुछ आपको लिखने की इसमें आवश्यकता है नहीं, आपका वैसे ही सॉल्व हो जाता, ठीक है, वहीं पे थोड़ा देख लेना था, ये आपका आंसर है 100%, है ना. तो ये फर्स्ट मेथड इसको सॉल्व करने का था. एक और सेकंड मेथड देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का, सेकंड मेथड बता देता हूं इसको सॉल्व करने का. देखो क्या करना है आपको, टोटल वोट्स कितने मानने हैं आपको, हमेशा की तरफ एक एक्स मान लो भाई, मल्टीप्लाई भाई 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो 10% वैल्यू अगर रिड्यूस हुई तो 90% रहेगी अपने आपकी, और फिर 300 मत अवैध पाएगा. तो देखो अब ये ऐसी कहानी हो गई, हमारे पास ये मतदान हुआ, एक्स का 90% रह गया सा, 90% में से भी 300 इनवैलिड हो गए, 300 इनवैलिड निकाल दिए हमने. अब उसके बाद कहता है कि विनर को मिलते हैं इसमें से 55% और लूजर को मिलते हैं 45, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया भाई, 10% हुआ कि नहीं हुआ. तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 10% इसका निकाल लेते हैं, 1/10/100, और ये हमारा आंसर होगा 600. इसको सॉल्व करना है बाकी है, ठीक है, इसको यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, इसको यहां से कैंसिल आउट कर देना, तो हमें मिलेगा एक्स इंटू 9/10 इज इक्वल टू मिलेगा 6000 प्लस 300, 6300 मिल जाएगा, और 9 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, और यहां आगे लिख देता हूं तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहां से 7000, x की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, 7000 मिल जाएगी. आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं, इसको सॉल्व कर लेना कैसे ना. चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखो भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, there were two candidates in an election, 20% of voters did not cast their votes and 600 voters are found invalid. Winner gets 60% of valid votes and wins the election by 1000 votes. Find total number of registered voters. एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 600 वोट अवैध पाए गए. विजेता को वैध वोटों का 60% मिलता है और 1000 वोटों से चुनाव जीतता है. पंजीकृत मतदाताओं कुल संख्या ज्ञात करनी है, सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं बताओ. तो पहला तरीका तो उसी पे चलते हैं, टोटल वोट्स कितने होते हैं भाई, 100%, ये क्या होते हैं हमारे कुल मत, ये होते हैं हमारे कुल मत, ठीक है. 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने लोगों ने किया, 80% ने मतदान किया,
80% में से भी कितने वोट निकाल दो, 600 वोट इनवैलिड पाए गए, यानी कि 80% माइनस 600 ये हमारे क्या है, वैलिड वोट्स हैं, ये हमारे क्या है, वैलिड वोट्स हैं। फिर क्या कह रहे हैं, विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये इसका 60% मिलेगा उसको विनर को, तो 60% ऑफ द 80% माइनस 600 ये तो विनर को मिलेगा, और 40% जो है 40% ऑफ 80% माइनस 600 ये लूजर को मिलेगा। माइनस कर दिया जाए देखो कितना आ जाएगा, 20% ऑफ 80% माइनस 600, और ये वैल्यू हमको दे रखी कितनी है, 1000। ठीक है, करते हैं चेक इसको, तो 20% होता 1/5, और 5 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली हम, वैसे चलो पूरा बता देता हूँ, 80% माइनस 600 ये हमने हमें मिल जाएगा 1000। तो 80% माइनस 600 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें 5000, और यहाँ से 80% अपने को मिल जाएगा 5600। तो 8 से कितनी बार कट जाता है, ये 10 टाइम्स कट जाएगा, और ये 7 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि पिछली बार की तरह यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7000। 100% की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, 7000। तो पहला मेथड और सेकंड मेथड भी आपको, आप समझ ही गए हो कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व। तो सेकंड भी देख लो भाई, दो उम्मीदवार हैं, मान लो टोटल वोट से एक्स मल्टीप्लाई, 20% ने वोट नहीं डाले तो कितने लोगों ने वोट डाले होंगे, 80% है, 20% रिड्यूस हो गए, फिर से कितने लोगों ने वोट नहीं किए, 600 अवैध पाए गए, 600 निकाल दो। फिर यहाँ पे 60% मिल रहे हैं, 60% और 40% 100 होते हैं, तो 60 और 40 का डिफरेंस होता है 20%, और ये वैल्यू हमको कितनी दे रखी है भाई, 1000। 20 से 5 बार ये कट जाएगा, यहां से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ये हो जाएगा 4/5, तो x इंटू 4/5 इज इक्वल टू मिल जाएगा 5600, और 4 से ये 14 बार कट जाता है, और 14 पंजे 70 होते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, 7000 आ जाएगी। तो कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका उत्तर वही आएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि हर चीज में आपको अच्छी तरीके से समझा पाया, तो ये फर्स्ट इसका पार्ट मैंने बना दिया है। तो अभी और कुछ बहुत थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन से वो रह गए, बाकी क्वेश्चंस का लेवल यही रहता है। और अगर आपको ज्यादा करने की इच्छा है तो मैं एक सेशन और बना दूंगा, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस का उस पर सेशन बना दूंगा, जिसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चंस रख दूंगा अच्छे खासे। ठीक है, बैंकिंग में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी एसएससी के लिए तो यही पर्याप्त है। ठीक है, ठीक है भाई, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, कमेंट करिए, जो भी आपको लगता है अच्छा बुरा जो भी है ना, बिल्कुल के, थैंक यू।